श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बाहर रात कार्य है, उस पर एक प्रेजेंटेशन दिए है और विस्तृत रूप से डिटेल में कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है 8000 एक सेब है और नए हिमाचल में हमारे आम और सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें डिस्पैरिटी थी और बहुत फ़र्क हुआ करता था, मगर क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है इसलिए जो जहां सेब का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश का जो उद्यान विभाग है वो उसको प्रिक्योर जो है वो करेगा। इसी प्रकार से जो है किन्नू है, माल्टा है, संतरा है और नींबू है, इसका रेट भी जो बढ़ा करके सरकार ने जो है हिमाचल सरकार ने इसका रेट बढ़ा करके 12 रुपए प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है। और गगल इसका गलगल का जो रेट है वो 6 रुपए प्रति किलो हुआ करता था, उसका रेट बढ़ा करके जो है वो 10 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का एक बागवानों के प्रति, किसानों के प्रति जो है एक सराहनीय कदम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा के दौरान। दूसरा फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो पंचायत जो है वो सेंक्शन करेगी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सेंक्शन किया जाएगा। उसमें जो दिहाड़ी है वो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा करके 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है। और जो तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहों से मांग आ रही थी कि जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सेंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, और जो वाटर कैरियर है हिमाचल प्रदेश में, जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे बहुत लंबे अरसे से शिक्षा विभाग में, कोई 1260 के करीब वाटर कैरियर्स लगे हुए थे और जिनको 14-14, 15-15 साल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए थे और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे, आज कैबिनेट ने 1260 जो वाटर कैरियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे उनको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला, उसको फैसला लिया है। आवश्यकता होगी, जैसे ऑरेंज अलर्ट की भी बात है, जैसे शिमला की बात है, वहाँ आपको ये जो हॉलीडेज है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, पर होगा ये क्षेत्र वाइज। सर जनरल भर्तियाँ, भर्ती से जुड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट, हर कैबिनेट के अंदर बहुत सारी भर्तियों को मंजूरी दे रहा है लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं अभी तक किसी की शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो हमारी क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विसेज करता था वो भंग था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पिछले बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, पेपर बिक रहा था और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड